Hello, good morning everyone. My name is Jabez and this is my KTM 390 adventure. और इस बाइक को अभी हो गया है एक दिन और ये चली है 300 किलोमीटर. और मैं आज बताऊंगा कि मुझे ऑल एनफील्ड से KTM आने में क्या क्या डिफरेंस लगे. मैंने चलाई है विद थंडरबर्ड अराउंड 2000 किलोमीटर के आसपास, इटा से 350 3000 किलोमीटर के आसपास और हिमालयन अराउंड 5-6000 किलोमीटर के आसपास. आते हैं इस बाइक के ऊपर डिफरेंसेस. नंबर वन डिफरेंस मुझे लगा है रॉयल एनफील्ड और KTM में वो है उसका टैंक. इसका टैंक बहुत ज़्यादा आगे से वाइड है तो आपको फ्रंट में बहुत अच्छी ग्रिप पड़ती है. सेकेंड थिंग, इसका टैंक जो है ना, इसमें जो फ्यूल भरा हुआ है ये टैंक नीचे ऐसे आगे तक आ रहा है. इसमें एलिमेंट उन्होंने ऑलरेडी लेग गार्ड दिया हुआ है, ऑल्सो सम गार्ड दिया हुआ है, आपको कुछ मिल जाएगा नेट पर. लेकिन इसका असर ये है कि बाइक अभी खरीदने में बिल्कुल रेडी है फॉर ऑफ रोडिंग एंड एनी इवेंट्स. कोई क्रैश की टेंशन नहीं रहती है. फिर बात करते हैं हम सस्पेंशन की. इसका सस्पेंशन सब बोल रहे हैं बहुत लंबा नहीं है, छोटा है. भाई WPS कंपनी किसी नाम से फेमस है, तभी इस कंपनी का सस्पेंशन जो है मुझे रोड चलाने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील हुआ. फीडबैक फ्रॉम द रोड इज़ वेरी गुड. टर्निंग वर्निंग मुझे बहुत आसान पड़ रहा है कि भाई कैसे टर्न करना है, कितना करना है, लीन कितना करना है, सबका बिल्कुल क्लियर फीडबैक मुझे आ पाता है. दूसरा इसका आता है हम लोग ब्रेक्स के ऊपर. इसके जो ब्रेक्स है ना, ये 320mm के हैं, बड़े साइज़ के हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप्स है. और मैंने स्पीड में भी जब टर्न में ब्रेक मारा, एक जानवर रास्ते में आ गया था, तो बिल्कुल गाड़ी स्किड नहीं करती, कोई भी इशू कभी नहीं होता है. अब इसके बाद आते हैं मेन जो लोग सब बोल रहे हैं इसकी हाइट के बारे में कि सर इसकी हाइट बहुत ऊंची है, साइड बहुत ऊंची है. भाई मेरी हाइट है 5 feet 5 inches. मैं एक आम इंसान हूँ, खाली 5 feet 5 inches का. एंड आई विल शो यू, मेरे ऊपर ही ऐसी लगती है बाइक. ठीक है, अभी मैं बाइक के साइड में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हो कि सीट मेरी बिल्कुल वेस्ट तक पहुँच रही है. तो सीट थोड़ी सी सब बोलते हैं ऊँची है, मगर इस पर जब मैं चढ़ता हूँ, ये देखो ट्रेन में बैठ गया हूँ, ऊपर आगे आ जाना. जब भी आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं आपका हर बार एक पैर ही नीचे रहते हैं, जैसे इस प्रकार है. और इधर पे आप देखना, इधर आगे देखना, मेरा पैर ऊपर है, इधर ऊपर है ये वाला. तो ट्रैफिक में हर बार आप ऐसे ही रहोगे, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ऐसे तो चलाना बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर मैं दोनों पैर नीचे करूँ भी तो टिप टॉप पर मेरा से आराम से बाइक कंट्रोल हो पा रही है. मगर अगेन इट इज़ ऑन ईच राइडर कि राइडर कितना क्या क्या बाइक चला पा रहा है. मुझे तो इतनी हाइट बिल्कुल परफेक्ट और सही लगी. और अगली बात करते हैं इसके अपना क्या बोलते हैं टॉप स्पीड के बारे में. लोग बोल रहे हैं कि किसी ने वीडियो बनाई है, मेरी ही बाइक लेके लोगों ने वीडियो बनाई है यूट्यूब पे कि भाई इसकी टॉप स्पीड इतनी है, फर्स्ट गियर में इतनी स्पीड भाग लेती है, फर्स्ट गियर चैलेंज है, ये है वो है. सर इसमें कंपनी ने अभी जब तक कि गाड़ी का ब्रेकिंग नहीं होता तब तक लिमिट रखी हुई है सॉफ्टवेयर बेस से कि इसके ऊपर इंजन की RPM नहीं जाएगी. तो अगर आपको जो लग रहा है कि भाई इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 ही है, 6 सेकंड में ये 100 पहुंच रही है, जो भी आप लोगों ने डाटा दिया है वो डाटा पूरा एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज कंपनी ने इसमें अभी करा हुआ रिस्ट्रिक्शन जब तक कि इसकी फर्स्ट ब्रेकिंग सर्विस ना हो जाए. और ये सब चीज़ें पता चलेगा यूज़र को जो मैनुअल पढ़ के बाइक चलाता है. मैं जब पढ़ा और समझा कि भाई इसमें बहुत चीज़ें अभी रुकी गई है, एक बार सिर्फ फर्स्ट सर्विस हो जाएगी सब कुछ सब खुल जाएगा. ठीक है, एंड फाइनल इसके एक आते हैं मुझे जो प्रॉब्लम क्या कर रहा है बाइक में. मेन एक्चुअली मुझे मेन प्रॉब्लम पूरी बाइक में जो कर रहा है आप सुन के हैरान रहेंगे, वो है इसका रियर व्यू मिरर. इसमें इस तरफ इधर की जहाँ मैं खड़ा हूँ तो हम राइडर को इस एरिया में बिल्कुल ब्लैंक स्पॉट है, वहाँ से खाली पीछे का व्यू आता है या फिर लास्ट का व्यू आता है, बिकॉज इसका थोड़ा सा छोटा है. बीच में कोई गाड़ी अगर ओवरटेक करती है, मैं कल दिल्ली से आ रहा था हाईवे पर, कोई भी जब ट्रक ने मुझे ओवरटेक करा तो एग्जैक्टली आई वॉज नॉट श्योर कि भाई गाड़ी कहाँ है. मैं बार बार घूम देखते हुए गाड़ी कहाँ पर है, वो सब ब्लैक स्पॉट इसमें है. बाकी मैंने इसको चला के देखा और मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने इतने साल रॉयल एनफील्ड चलाई कैसे, मतलब उसमें तो कुछ भी नहीं है. इसको देख के तो ये मक्खन के समान है. और एक और बात, अगर आपने KTM की 129 सीटर 1290 cc वाली एडवेंचर टूर बाइक चलाई है तो समझ जाओगे कि ये इसकी बच्ची वाली बाइक है. इसमें काफ़ी फीचर्स डाले नहीं गए. ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS है, वो तो सबको पता है. कुछ और फीचर्स होते हैं, एक होता है पिलियन कंट्रोल सिस्टम, डबल सीट और हैंड ग्रिप्स हीट करने वाला सिस्टम और सस्पेंशन आगे एडजस्ट करना ऑटोमेटिकली, वो सब इसमें नहीं दिया गया बिकॉज ये बहुत बेसिक मॉडल है. मगर इस बाइक को चलाने के बाद जो मुझे मज़ा आया है वो किसी आज तक मुझे रॉयल एनफील्ड में नहीं आया. आई विल बी वेरी फ्रैंक. तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या लूँ, हिमालयन या KTM 390 एडवेंचर, मेरा सोच समझे आप ये ले लो. थोड़ी महंगी तो है मगर ये पक्का प्रीमियम है. और हाँ, अलॉय मैंने चढ़ाए, इस गाड़ी को मैंने चढ़ाया पेमेंट के ऊपर, इसका क्वेश्चन नहीं पड़ा अलॉय के ऊपर. आप देख सकते हो गाड़ी कैसे खड़ी है, बिल्कुल R&D करी है कंपनी ने और इट इज़ वेल डिज़ाइन. कोई टेंशन की बात नहीं है, जस्ट गो फॉर इट.